मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपना वेरिएबल सेपरेशन मेथड का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में अपन ये देखा था कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड कैसे क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जो विदाउट बाउंड्री कंडीशन का था, जिसमें बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हुई थी, उसको भी अपन ने वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व किया था। अभी अपना दूसरा क्वेश्चन रहेगा जिसको अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व करेंगे, लेकिन इसमें बाउंड्री कंडीशंस अपने वो दे रखी है। तो बाउंड्री कंडीशन हो तब कैसे सोल्व करते हैं, मेथड एज इट इज रहेगा। सिर्फ बाउंड्री कंडीशन दी हुई होगी तो कैपिटल एक्स और वो अपन जो मान रहे थे जिसमें फंक्शन था वो मान रहे थे, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने माना था कैपिटल एक्स और कैपिटल टी, तो उनकी वैल्यूज में जो कॉन्स्टेंट आ रहे थे उन कॉन्स्टेंट की वैल्यू इन बाउंड्री कंडीशन की मदद से अपन निकालेंगे। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल टी टू विद द कंडीशन, इसके साथ में कंडीशन है डेट वी इक्वल टू जीरो अलॉन्ग द लाइन्स। वी इक्वल टू जीरो होगा कब होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो हो तब भी वी की वैल्यू जीरो आएगी, वाई इक्वल टू जीरो होगा तो भी वी की वैल्यू जीरो आएगी, एक्स इक्वल टू ए होने पर भी वी की वैल्यू जीरो रहेगी और वाई इक्वल टू ए होने पर भी वी की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये अपने पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन है कि एक्स जीरो है, एक्स ए है, वाई जीरो है, वाई ए है, तब वी की वैल्यू क्या है अपने पास जीरो है। इसके आधार पर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अपन ने सीख लिया था अच्छी तरह से। सबसे पहले जो अपने को इक्वेशन देखी है वो क्या है, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल टी टू। इसे इक्वेशन नाम देते थे अपन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब इसके तुरंत बाद अपन ने क्या किया था कि इक्वेशन फर्स्ट का क्या लेते हैं, सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं, सॉल्यूशन मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। तो लेट द गिवन इक्वेशन, लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन ले लेती हूँ। क्या है वी, वी किस किस का फंक्शन है, एक्स वाई और टी का, तो v फंक्शन हो गया x, y और t का। क्या मानना पड़ेगा, x फंक्शन ऑफ स्मॉल x, y फंक्शन ऑफ स्मॉल y इंटू t फंक्शन ऑफ स्मॉल t, से इक्वेशन नाम दे देते हैं अपन सेकेंड। हो गया अज्यूम कर लिया। अब अज्यूम करने के बाद में अपन ने क्या किया था, जो अपने को इक्वेशन फर्स्ट में जिस जिस की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यूज अपन इक्वेशन सेकेंड की मदद से निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करते हैं तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू निकालते हैं, फिर उसका अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे, यानी एक्स के सापेक्ष वी का ट्वाइस बार पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो वाई और टी तो क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए, वाई और टी कॉन्स्टेंट हो गए, इसका मतलब वाई इंटू टी तो अपन ने पहले लिख दिया। अब x का ट्वाइस बार x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल टू x अपॉन डेल x2, आगे डेल टू v अपॉन डेल x2 की वैल्यू, अब किसकी फाउंड करनी है, डेल टू v अपॉन डेल y2, डेल टू v अपॉन डेल y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब कौन कांस्टेंट रहेगा इस बार, x और t कांस्टेंट हो जाएगा, x और t कांस्टेंट हो गया, y के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टू कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई टू। अब क्या निकालना है, डेल टू वी अपॉन डेल टी टू, यानी वी का टी के सापेक्ष ट्वाइस टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल टू वी अपॉन डेल टी टू इक्वल टू, इस बार कांस्टेंट कौन रहेंगे, इस बार कांस्टेंट एक्स और वाई हो जाएगा, तो कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं एक्स इंटू वाई, और डिफरेंशिएशन क्या आ गया, डेल टू टी अपॉन डेल टी टू। इस पूरे को इक्वेशन थ्री नाम दे देते हैं, पूरे को कौन सी इक्वेशन नाम दे दिया, थ्री नाम दे दिया। अब इक्वेशन थ्री से क्या करना है, अपने को इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी है, तो अपन करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू डेल टू टी अपॉन डेल टी टू इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, तब अपन क्या प्राप्त करते हैं, देन वी गेट,
पुट द वैल्यू ऑफ डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू इन हियर डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू की और डेल टू वी सॉरी डेल टू वी अपॉन डेल टी टू की वैल्यू अवेलेबल इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने है देन वी गेट तब अपन क्या प्राप्त करते हैं तो देखते हैं डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू क्या है अपने पास वाई इंटू टी डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू की क्या है एक्स इंटू टी डेल टू वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई टू इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल टी टू डेल टू वी अपॉन डेल टी टू की वैल्यू क्या है अपने पास एक्स इंटू वाई डेल टू टी अपॉन डेल टी टू ये है। अब अपन वेरिएबल सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं इसको पूरी इक्वेशन को एक्स वाई इंटू टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो सॉरी डिवाइड कर देते हैं तो क्या लिखेंगे डिवाइड बाई एक्स वाई और टी एक्स वाई और टी से डिवाइड करने पर अपने पास क्या इक्वेशन प्राप्त होती है वो देखते हैं अपन डिवाइड करने पर अपने पास इक्वेशन प्राप्त होगी वन अपॉन एक्स इंटू डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू प्लस वन अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी डेल टू टी अपॉन डेल स्मॉल टी टू ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए एक्स वाले टर्म्स के साथ एक्स का वेरिएबल है वाई वाले के साथ वाई का और टी वाले के साथ टी का वेरिएबल है मैं तीनों के साथ में अलग अलग कॉन्स्टेंट कंज्यूम कर लेती हूँ कि क्या होगा मैंने मान लिया कि वन अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू मान लेते हैं वन माइनस एम स्क्वायर दूसरा वन अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू जूम कर लेते हैं माइनस एम स्क्वायर और लास्ट रहेगा वन अपॉन सी स्क्वायर टी डेल टू टी अपॉन डेल टी टू इक्वल टू जूम कर लेते हैं माइनस एल स्क्वायर कर लिया। अब यहां से आंसर देखो वन अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू को अपन ने क्या जूम किया है माइनस एम स्क्वायर ऐसे इसको क्या किया है माइनस एन स्क्वायर और इस पूरे को क्या किया है माइनस एल स्क्वायर तो ये क्या बन रहा है अपने पास माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास एन स्क्वायर ये अपना जूम करने पर अपनी इक्वेशन इस फॉर्मेट में बदल गई है अपने को आगे कहीं काम में रहेगा तो अपन काम में लेंगे इन इक्वेशन को अलग अलग नाम दे देते हैं और सोल्व करते हैं इक्वेशन अपनी फोर्थ हो जाएगी ये फिफ्थ और ये इक्वेशन नंबर सिक्स पहले इक्वेशन फर्स्ट को फोर्थ को सोल्व कर लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फोर से सोल्व करते हैं इक्वेशन फोर क्या है अपने पास वन अपॉन एक्स डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊंगी तो क्या हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से तो एक्स हट जाएगा और क्या हो जाएगा डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स टू इंटू एम स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो आगे पास से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है अपने को सोल्व करने के लिए अपन क्या मान लेते हैं इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं कैपिटल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये मिलेगी तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा एम क्या आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा एम तो अपन सी एफ लिख लेते हैं एक्स इक्वल टू सी एफ इक्वल टू सी वन पहले देखते हैं ई की पावर आयोटा से पहले रियल नंबर क्या है जीरो है तो जीरो इंटू एक्स जीरो इंटू एक्स का मतलब जीरो और किसी भी बेस की पावर जीरो हो क्या हो जाता है वन तो इसको अपन छोड़ देते हैं और क्या आता है सी वन कोस एम एक्स प्लस सी टू साइन एम एक्स। अब ये तो कब था ये तो तब था जब अपने पास बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हुई हो लेकिन अपने वो क्वेश्चन में क्या दी थी बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी तो बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी इसका मतलब अपने को सी वन और सी टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये कॉन्स्टेंट के रूप में नहीं चलेंगे तो सी वन और सी टू की वैल्यूज अपन निकालने के लिए क्या करते हैं अपने वो एक्स की वैल्यू चाहिए और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन सेकंड में अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास क्या दे रखा था एक तो दे रखा था कि वी जीरो होगा कब होगा
बाउंड्री कंडीशन का यूज करते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या आती है, x इक्वल टू जीरो देन v इक्वल टू जीरो। अगर x इक्वल टू जीरो है तब v भी क्या है अपने पास, जीरो है। तो इसको अपन इक्वेशन सेकंड में फॉलो करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या आती है, इक्वेशन सेकंड थी अपने v इक्वल टू x y और t वाली। तो v इक्वल टू x y, x फंक्शन है x का, y फंक्शन है y का और t फंक्शन है t का, यही थी। तो इसमें अपन ये वैल्यू पुट करते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x की जगह क्या पुट करना है, जीरो। x की जगह जीरो पुट करेंगे तो v क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इक्वल टू x ऑफ जीरो, y फंक्शन है y का और t फंक्शन है किसका, t का। तो ये तो दोनों कॉन्स्टेंट कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, वेरिएबल भी होंगे तो इसमें जीरो में डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपने पास x जीरो की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। यानी कि x की वैल्यू जीरो है तब x जीरो की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। तो इसमें पुट करते हैं तो x की वैल्यू जीरो, यहाँ पर भी x किसका फंक्शन है, x का ही फंक्शन है। तो x जीरो की वैल्यू जीरो है तो पुट x इक्वल टू जीरो एंड x जीरो इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और x जीरो इक्वल टू भी क्या आ गया है अपने पास, जीरो आ गया। तो पुट करने पर क्या मिलेगा, जीरो इक्वल टू सी वन कोस एम एक्स। तो सी वन कोस एम एक्स, एक्स का मतलब जीरो, तो एम को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो और कोस जीरो की वैल्यू वन। तो सी वन इंटू वन वन हो गया, सॉरी सी वन हो गया, प्लस सी टू इंटू साइन एम एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो यानी साइन जीरो और साइन जीरो की वैल्यू जीरो। तो जीरो इंटू सी टू जीरो, तो इसे मैं हटा देती हूँ। अपने पास सी वन की वैल्यू क्या आ गई है, सी वन की वैल्यू आ गई है जीरो। सी वन की वैल्यू जीरो आने का मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, सी वन तो हट गया, सी वन की वैल्यू जीरो आने पर एक्स इक्वल टू सिर्फ क्या बच गया, सी टू साइन एम एक्स, यही बचा सी टू साइन एम एक्स। अब एक्स के लिए अपने पास एक बाउंड्री कंडीशन और थी, वो बाउंड्री कंडीशन क्या थी वो देखते हैं। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन थी कि x इक्वल टू a, अगर x इक्वल टू a होगा तब भी v क्या होगा, जीरो होगा। यानी देन v इक्वल टू जीरो, इसे भी अपन इक्वेशन सेकंड में फॉलो करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड यही है, v इक्वल टू x फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन ऑफ y और t फंक्शन ऑफ t। तो v इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, जीरो। कब, जब x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, a, और x फंक्शन किसका हो जाएगा, a का, x की वैल्यू a पुट कर दी तो y ऑफ y और t ऑफ t, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों फंक्शन इसमें जीरो में डिवाइड होकर के क्या बन जाएंगे, जीरो। तो x a की वैल्यू भी अपने पास क्या आ गई, जीरो आ गई। अब x a की वैल्यू तो जीरो पुट करनी है और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, इस बार a फुट करनी है अपनी इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में न फुट करके किसमें करनी है, इसमें करनी है, क्योंकि यहां तक अपन सॉल्व करके पहुंच चुके हैं और इसको अपन इक्वेशन नाम भी दे देते हैं। इसको इक्वेशन नाम दे देती हूँ मैं सेवन। तो पुट x इक्वल टू जीरो एंड x जीरो इन इक्वेशन सेवन, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसे अपन इक्वेशन नाम दे देते हैं इक्वेशन एट, इक्वेशन एट में अपन पहुंच चुके हैं। तो क्या पुट करना है इक्वेशन एट में, पुट x इक्वल टू ए, स्मॉल x इक्वल टू क्या पुट करना है a, और कैपिटल x a इक्वल टू क्या पुट करना है, जीरो। देन वी गेट इन इक्वेशन एट, इन इक्वेशन एट, इक्वेशन एट में ये पुट करते हैं तब अपन क्या पाते हैं देखना। देन अक्स ए, अक्स ए का मतलब क्या आएगा, जीरो। तो जीरो इक्वल टू अक्स की जगह क्या पुट करना है, ए। तो सी टू साइन एम ए, सी टू साइन एम ए, सी टू तो जीरो हो नहीं, होगा नहीं, क्यों, अगर अपन ने सी टू को जीरो कर दिया तो अक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कोई कंफर्म सॉल्यूशन नहीं होगा, ये सॉल्यूशन तो ऐसे हो जाएगा। तो इसको अपन सी टू को तो जीरो करेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं तो यही पर खत्म हो जाएगा। अगर सी टू को जीरो कर देंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो, तो सी टू जीरो नहीं होगा, तो जीरो किसको ना पड़ेगा, साइन एम ए को। और साइन एम ए जीरो कब होगा, जब साइन
अपन यहाँ पर मान लेते हैं r पाई n भी अपने पास आ चुका है और r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r क्या है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इसी कंडीशन में ये जीरो होगा, तो ये जीरो इस कंडीशन में होगा तो साइन एम ए इक्वल टू साइन आर पाई, तो एम ए इक्वल टू क्या आ गया आर पाई, और एम की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एम की वैल्यू आ जाएगी आर पाई अपॉन ए, ये आएगी एम की वैल्यू जो कि इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर एट में अपन पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर एट में पुट करेंगे तब क्या आएगा, एक्स इक्वल टू सी टू साइन एम एक्स है, एम की जगह क्या पुट करना है आर पाई अपॉन ए इंटू एक्स, यही बनेगा पूरा एंगल साइन का। ये सी टू है या आर पाई एक्स, आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो ये कॉन्स्टेंट भी आगे 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 चेंज होता ही जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, एक्स इक्वल टू एक्स आर इक्वल टू सी आर साइन आर पाई एक्स अपॉन ए, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर नो, आर से अपन पूछ चुके थे तो इक्वेशन नंबर नो, तो एक्स आर इक्वल टू क्या गया सी आर साइन आर पाई एक्स अपॉन ए। अब अपनी जो इक्वेशन फाइव थी वो भी क्या थी, सिमिलर इसके जैसे थी, एक्स वाई के जैसे वो थी वाई के टर्म्स में, तो अपन सिमिलर भी करके इसका सोल्यूशन भी लिख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फाइव, इक्वेशन फाइव का अपन सिमिलरली करके सॉल्यूशन लिख देते हैं, तो सिमिलरली वहां पर y r की जगह कोई और दूसरी वेरिएबल ले लेते हैं s इक्वल टू सी एस साइन एस पाई, x की जगह क्या आएगा y आएगा कि y फंक्शन किसका था y का अपॉन, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं 10। अब जो अपनी इक्वेशन सिक्स थी उसकी मदद से अपन आगे वाला सॉल्यूशन निकालते हैं। इक्वेशन सिक्स क्या थी, देखो फ्रॉम इक्वेशन सिक्स, फ्रॉम इक्वेशन सिक्स, इक्वेशन सिक्स क्या थी अपने पास, इक्वेशन सिक्स थी वन अपॉन सी स्क्वायर डेल टू टी अपॉन डेल टी टू प्लस क्या माना था इक्वल टू एल स्क्वायर माना था, तो एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर था इधर आकर प्लस एल स्क्वायर, प्लस एल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू जी सॉरी टी इक्वल टू जीरो, और ये सी स्क्वायर भी इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ से सी स्क्वायर हट जाएगा। ये बनेगी कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन से वैल्यू फाउंड करते हैं, वैल्यू फाउंड करके आगे सी एफ लिखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेगी इसकी कैपिटल एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो कैपिटल एम की वैल्यू क्या दी प्लस माइनस आयोटा सी एल, या यही कैपिटल एम की वैल्यू कैपिटल सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, टी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू लिखते हैं सी थ्री कोस सी एल टी प्लस सी फोर साइन सी एल टी, हो गया सॉल्यूशन। सी थ्री और सी फोर की वैल्यूज कुछ मान लेते हैं, तो सी थ्री इक्वल टू मैंने जूम कर लिया कोस अल्फा, और सी फोर इक्वल टू अपन क्या जूम कर लेंगे साइन अल्फा, सी थ्री की जगह तो कोस अल्फा फुट करना है और सी फोर की जगह माइनस साइन अल्फा फुट कर देते हैं, ताकि अपने पास जो फॉर्मूला बने वो एट का बन जाएगा। तो टी इक्वल टू कोस अल्फा कोस सी एल टी माइनस सी फोर की जगह क्या फुट करें माइनस साइन अल्फा साइन सी एल टी, यही बात यही बनेगा। टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कोस ए प्लस बी, तो इसे फिर क्या लिख देंगे कोस ए की जगह काम कौन कर रहा है अल्फा प्लस बी की जगह सी एल टी, तो क्या बन गया टी इक्वल टू आ गया कोस एल्फा कोस एंगल में आ जाएगा एल्फा प्लस सी एल टी। अब अपने पास एल की वैल्यू थी वो आए थे ना एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, तो वहां से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहां से एल की वैल्यू आ जाएगी टी इक्वल टू कोस
अल्फा प्लस, इससे बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, प्लस सी, एल की वैल्यू क्या जाएगी, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू टी। ये आएगी एल की वैल्यू, एल की वैल्यू अपने पास आ गई, एम और एन की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी, तो एम और एन की वैल्यू दोनों पुट कर देते हैं, पुट एम इक्वल टू तो क्या आया था अपने पास, एम इक्वल टू आया था आर पाई अपॉन ए, एंड एन इक्वल टू क्या आया था, एन इक्वल टू इससे आया था एस पाई अपॉन ए, यही आया था, पुट करते हैं देन देखते हैं देन क्या प्राप्त होता है, देन टी इक्वल टू कोस अल्फा प्लस सी इंटू एम स्क्वायर, एम स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस एन स्क्वायर का मतलब एस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू टी, तो टी इक्वल टू कोस अल्फा प्लस यहां से पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी इसकी पावर हाफ है, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बाहर क्या निकल के आएगा, पाई अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा सी पाई अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू टी, ये बनेगा टी इक्वल टू, ये टी इक्वल टू बन गया, तो इसमें कॉन्स्टेंट कोई है क्या, इसमें कॉन्स्टेंट कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं बचा है, और जो आर और एस आ रहे हैं वो किसकी वैल्यूज के रूप में आ रहे हैं, एम और एन की वैल्यू के रूप में आ रहे हैं आर और एस वाले, तो ये क्या हो जाएगा टी एम एन टी, टी फंक्शन किसका था, टी का इक्वल टू कोस अल्फा प्लस सी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू पाई टी अपॉन ए, आ गई टी की वैल्यू, एक्स की आ गई वाई की आ गई टी की आ गई, अब क्या करना है अपने को, सभी की वैल्यू आने के बाद में क्या करना है, इक्वेशन टू में पुट करना है, इसे अपन इक्वेशन नाम दे देते हैं 11, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 11, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड टी फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, एक्स की वैल्यू 9 से, फ्रॉम इक्वेशन 9, वाई की वैल्यू 10 से एंड टी की वैल्यू 11 से, इन इक्वेशन सेकंड, सेकेंड इक्वेशन में इन सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या थी v x y t, यानी v फंक्शन है x y और t का, इक्वल टू क्या थी x फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन ऑफ y और t फंक्शन ऑफ t, क्या बन गया v x y t इक्वल टू x फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या है c r sin r pi x अपॉन a इनटू y फंक्शन ऑफ y की वैल्यू क्या है सी एस इंटू साइन एस पाई वाई अपॉन ए इंटू टी फंक्शन ऑफ t, टी फंक्शन ऑफ t की वैल्यू क्या है कोस अल्फा प्लस पाई अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू सी टी, ये है सबकी वैल्यूज अपन ने पुट कर दिए, इसकी पावर भी क्या है अपने पास में हाफ है, सॉरी सबकी वैल्यू पुट कर दी, अब सी आर एस को हटा देते हैं, आर और एस ही है दोनों में, तीनों टर्म्स में आर और एस ही, इनको हटा देते हैं, समेशन के रूप में लगा देते हैं, वन से इंफिनिटी में जाएगा, अपने कहा था आर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, आर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो यहां से एस भी किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, समेशन के रूप में से लिख देते हैं, तो v x y t, v फंक्शन है किसका x y और t का, तो समेशन हो जाएगा r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव, समेशन s इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव, c r c s ये अलग अलग कांस्टेंट है, इसको अपन एक्स गए लिख देंगे समेशन लिखने के बाद, c r s,
साइन आर पाई एक्स अपॉन ए इंटू साइन एस पाई वाई अपॉन ए इंटू कोस एल्फा प्लस पाई अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 1/2 सी इंटू टी। यह अपना क्या है फाइबर सॉल्यूशन है जिसमें v इक्वल टू ये सॉल्यूशन आ चुका है v इक्वल टू क्या था x y y और t t इनकी वैल्यू अपने को पुट करनी होती है फाइनल सॉल्यूशन के लिए और इन सब के बने वैल्यू पुट कर दी तो ये बाउंड्री कंडीशंस का सॉल्यूशन आ चुका है। अब बाउंड्री कंडीशन नहीं होती तो ये कांस्टेंट किस रूप में आता है सी ए बी इस प्रकार से पूछा था। अब बाउंड्री कंडीशन है मतलब ये कांस्टेंट 1 से इंफिनिटी के बीच में जाएगा और अलग अलग टर्म्स इसमें आ जाएंगे।